नमस्ते सत श्री अकाल आदाब खंबा अगिनी केम छो केर हाल कस काय। मैं हूं करण रजानी फ्रॉम बॉलीवुड हेल्पलाइन। देख रहे हैं बॉलीवुड की खबरें लगातार मेरे साथ में। सिर्फ 20 मिनट हुए हैं। जी हाँ, मैंने घड़ी को देखकर 20 मिनट इसलिए कहा क्योंकि जो ट्वीट है इस पर काफ़ी ज़्यादा हंगामे होने वाले हैं। स्वरा भास्कर ने सीधा निशाना साध दिया है कंगना रनौत पर। आपको बताऊं कि उन्होंने घुमा कर क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि बॉलीवुड के बारे में जो लोग अफवाह फैला रहे हैं, जो गलत चीजें बोल रहे हैं, वो क्या सस्ता नशा करती हो, कौन करता है। हैशटैग में जितने भी हैशटैग अगर मैंने देखे अभी ये चीज मैंने अभी देखी है, हैशटैग में सारे हैशटैग्स वो है जो कंगना रनौत अपने ट्वीट में, अपने सोशल मीडिया में इस्तेमाल करती है। बॉलीवुड माफिया और ये सारी चीजें हैशटैग में है। जी हाँ, ये एक घुमाकर जो है मारा है कंगना रनौत पर निशाना स्वरा भास्कर। अब इस पर जो है मैं चेक कर लेता हूँ, अब इस पर रिप्लाई आया है कि नहीं आया है। तो ये जो कंगना रनौत पर अब तक ट्वीट पर जो है रिप्लाई नहीं आया है, तो ट्वीट पर ये रिप्लाई आना अब तक बाकी है। शायद हो सकता है कंगना रनौत ने ये ट्वीट अब तक उनका नहीं देखा, लेकिन काफी ज्यादा हंगामा होने वाला है। ट्वीट पर देखा कि स्वरा भास्कर ने तो बिल्कुल सोच लिया है कि कंगना रनौत के खिलाफ बोलना है। कंगना रनौत जो है वो काफी बार बोल चुकी है कि बॉलीवुड जो है, आधा बॉलीवुड जो है वो नशे में है। ये 99% आधा नहीं, मैं स्पष्ट करूंगा, 99% जो बॉलीवुड में लोग हैं वो जो है नशे के आदि है और वो नशा लेते हैं। इस पर कमेंट्स काफी ज्यादा आए हैं और कमेंट्स ये आए हैं कि स्वरा भास्कर तुम नशेड़ी हो, और काफी ज्यादा ऐसे आए हैं जहां पर वो कमेंट्स में लोग बिल्कुल गालियां दे रहे हैं। तो मैं वो आपको बता नहीं सकता हूं, लेकिन अभी फिलहाल मैं ट्वीट पर हूं, मैं उनका ट्वीट देख सकता हूं, अब तक रिप्लाई नहीं आया है। तो रिप्लाई बहुत ही जल्द आने वाला है क्योंकि कंगना रनौत चुप नहीं बैठने वाली है। इस पर स्वरा भास्कर को वो जवाब जरूर देंगी कंगना रनौत, क्योंकि कंगना रनौत जो है वो आपको पता है कि एक मुहिम छिड़ रखी है जहां पर उन्होंने बॉलीवुड में नेपोटिज्म से लेकर सारी चीजें अब तक बोली है। कुछ लोगों ने कंगना के खिलाफ भी इसमें बोला है, लेकिन अगर आप परसेंटेज देखें तो सबसे ज्यादा परसेंटेज ये है कि लोगों ने बॉलीवुड को बहुत बेकार गालियां दी है, जो गालियां वीडियो में मैं नहीं बता सकता हूं। देखते रहे बॉलीवुड की खबरें, मैं आपको कुछ ही देर में बताऊंगा इसका क्या हाल है, इस रिपोर्ट के बारे में, इस ट्वीट के बारे में। बहुत बड़ी खबर है ये। लगे रहे हमारे साथ में हमारे चैनल बॉलीवुड हेल्पलाइन पर। तब तक के लिए मैं एंकर करण रजानी, टेक केयर एंड गुड बाय।